मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रभु के कुछ वचन को लेकर आए हैं। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। मेरे दोस्तों सचमुच प्रभु हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। मेरे दोस्तों आप लोग अगर इन वचनों को डेली लाइफ में सुबह शाम जब भी आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आप भी प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे, प्रभु अपने प्रेम से आपको भर देंगे। मेरे दोस्तों सचमुच आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें, आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें मेरे दोस्तों, और इन वचनों को रोज जरूर पढ़ें। तो चलिए मेरे दोस्तों हम आप लोगों के साथ उन वचनों को शेयर करते हैं, आप लोगों को उन वचनों को बताते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे दोस्तों हम रोजाना प्रभु के वचनों को लेकर आते रहते हैं और आप लोग भी इन वचनों को सीखिए और प्रभु के वचनों में आगे बढ़िए। मेरे दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वचन है यशाया अध्याय 49 पद संख्या 15। यह हो सकता है कि कोई माता अपने दुधपेह बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। हाँ वह भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या एक माता अपने दुधपेह बच्चे को, जो उसके बच्चे होते हैं जो अभी दूध पी रहे, उनको भूल सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु कहता है ऐसा हो सकता है कि वो उसको भूल जाए, लेकिन मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु कहता है हम तुमको कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों हर समय आप खुश रहें, आप आनंदित रहें। आपके जीवन से कोई आता जाता है उसको जाने दीजिए, लेकिन मेरे दोस्तों प्रभु आपके साथ है। इसलिए आप हर समय आनंदित रहें, खुश रहें, क्योंकि प्रभु हमेशा आपके साथ रहता है। सब आपको भूल सकता है, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्तों आप सोच सकते हैं एक माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन प्रभु आपको भूल नहीं सकता। सोच लीजिए आप लोग प्रभु आपसे कितना प्यार करता है। इसलिए हर समय प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु के वचनों पर चले, हर समय खुश रहे, आनंदित रहे। प्रभु का दूसरा वचन है यशाया अध्याय 66 पद संख्या 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हर एक माता अपने बच्चे को शांति देती है। जब भी वे बीमार होते हैं उनकी देखरेख करती है, उनकी चिंता करती है। जब भी उनके बच्चे उनसे कुछ मांगते हैं तो उनकी हर एक चीज़ों को पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार मेरे दोस्तों प्रभु कहता है जिस प्रकार माता तुमको शांति देती है, वैसे भी मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु भी आपको शांति देगा। जब आप परेशान हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, चिंता में चले जाएंगे, तो आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु आपको शांति देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। जब आप प्रभु की शांति को पाएंगे तो वैसी शांति आपको इस संसार में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे दोस्तों प्रभु का वचन ये भी कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, वैसी शांति नहीं जैसा संसार तुम्हें देती है। इसलिए मेरे दोस्तों जब भी आपके जीवन में दुख, समस्या, तकलीफ आए, चिंता आए, तो आप प्रभु के पास जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको शांति देंगे। प्रभु का तीसरा वचन है भजन संहिता 91 पद संख्या 11। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु हम लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि वे हर समय हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखते हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो प्रभु हमारे लिए एक दूत को भेजता है, अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे साथ भेजता है कि वे हमारी रक्षा करें। क्योंकि मेरे दोस्तों प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वे हमको कभी भी कोई भी संकट में पड़ने नहीं देता है। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु पे विश्वास करें, उनके दूत आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। प्रभु का अगला वचन है मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20। मैंने तुम लोगों को जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, और आप लोगों को भी, हम लोगों को भी प्रभु से प्रेम करना चाहिए। और जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु ने हमको बहुत सारी आज्ञाएं दी। प्रभु का वचन है प्रभु अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए बोलते हैं और लोगों के पास ये वचन बताने के लिए बोलते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जब हमसे प्रभु प्रेम करते हैं तो हमें भी उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उनकी इच्छाओं पर चलना है। मेरे दोस्तों हमको कोई भी अपराध नहीं करना है, हमको लोगों को सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के वचन को बताना है, प्रभु के बारे में बताना है।
मेरे दोस्तों प्रभु कहता है मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रभु हमेशा हमारे साथ। इसलिए आप कभी भी कोई भी बात की चिंता ना करें कि लोग हमारा क्या करेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे। प्रभु आपके साथ है, आपके साथ हमेशा ही अच्छा होगा। प्रभु का अगला वचन है यहोशू अध्याय 1:9, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है दृढ़ बने रहो और विश्वास करो प्रभु पे, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। प्रभु कहता है क्योंकि प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे प्रभु हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। आप कहीं भी कोई भी मुश्किल में क्यों ना पड़ जाए, प्रभु आपको उन मुश्किलों से आपको छुड़ाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु पे विश्वास करें कि प्रभु हमेशा अभी भी इस समय भी प्रभु आपके साथ है, आपके बगल में है। मेरे दोस्तों आप लोग विश्वास करें और जब आप सुबह उठते हैं तो आप लोग इन बातों को जरूर बोलें कि हे पवित्र आत्मा, आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हैं। आप रोज दिन इस तरह से बोले, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा और आपसे प्रेम करेगा और आपको आशीष देगा और आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह।